जय मसीह की भैया। जय मसीह की, जय मसीह की। मेरा सवाल तो है, मैं सिर्फ 2 मिनट में, थोड़ा व्यस्त था इसलिए। चलो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। मेरा एक मित्र है जो मैंने शायद आपको कल भी एक मैसेज के द्वारा एक आपको भेजा था कि वो मेरा एक भाई, एक मित्र है जो मुझे कहता है कि मोहम्मद साहब ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। तो वो आपने मुझे उससे सही तरीके से समझाया, तो उसके रिलेटेड एक और है कि उसने कहा कि जैसे कल कल या बीच में आपने शायद, अभी मुझे पता नहीं है कौन सी तारीख को आपने एक बार फिर मतलब इसी विषय पर आपने बताया था कि कुरान के और बाइबल के विषय में, उसमें आपने ये बताया था कि यीशु मसीह जो मूसा और हारून की बहन मरियम करके है, उनको उन्होंने उनमें ऐड किया है। तो यदि ऐसा है तो कुरान के विषय में हमने कहीं देखे हैं कि कुरान ये भी बताती है कि ईसा अल्लाह की रूह रूह है और वो पानी पर चला फिरा करता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो अंधों को आंखें देता है। क्या कुरान इसके विषय में कहती है, ये क्या ये सत्य है? मेरा यही सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल किया है प्रवीण भाई ने। प्रवीण भाई, सबसे पहले तो सवाल करने के लिए धन्यवाद। ईसा के विषय में अगर आप देखें तो कुरान ये कहता है कि ईसा ने कई सारे चमत्कार के काम करे। उनमें से कुछ चमत्कार ये है कि वो जो है, जब पैदा हुए तो उन्होंने जिस टोकरी में उनको रखा गया, उस टोकरी में से वो पैदा होते ही वो बात करने लगे। ठीक है, सबसे पहले तो बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, बाइबल ने ना इस चीज को रेखांकित किया है। दूसरा कि ईसा जो है, उन्होंने एक मिट्टी में से एक चिड़िया को बनाकर उसमें सांस फूंकी और उस चिड़िया को जीवन दिया और वो चिड़िया उड़ गया। ऐसे ही कई सारे और भी अचंभे के कार्य करे हैं ईसा ने, ये कुरान ये कहता है। बट सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो चमत्कार जो कुरान कह रहा है, इसका सोर्स कहाँ से है, ये कहाँ से आया। इसके लिए हमें जो है, उस जमाने में, मतलब मोहम्मद के जमाने में, कई सारे क्रिश्चियन कल्ट्स हुआ करते थे। जब हम क्रिश्चियन कल्ट कहें तो हिंदी में उस चीज को कैसे बोलेंगे, कल्ट जो है वो पंथ, पंथ सही शब्द भी नहीं रहेगा कि जो सही में है ही नहीं, जो सही में मसीहत या क्रिश्चियनिटी जो चीज नहीं बताती, उसके विपरीत कई सारी पुस्तकें लिखी गई थी। नॉस्टिक गॉस्पल्स उसको कहते हैं। उन गॉस्पल्स में कई सारी मनगढ़ंत कहानियां यीशु मसीह के बारे में उस जगह में फैलाई गई थी। मतलब ये, क्योंकि बाइबल जो है वो यीशु मसीह के बारे में क्लियर तरीके से बोलता है कि यीशु मसीह जो है वो 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता के अधीन रहा और उनके उनके परिचरण में रहा, उनका देखभाल किया। तो बाइबल के खिलाफ जाकर कई सारी मनगढ़ंत कहानियां नॉस्टिक गॉस्पल्स में ऐड करी गई, जिसको बाइबल के रचयिता जो है वो पूरी तरीके से निरंकार करते हैं, उसको हटा देते हैं और उसको इंक्लूड भी नहीं करते। इन कहानियों को, जो वहां पे मनगढ़ंत कहानियां वहां के नॉस्टिक क्रिश्चियंस के बीच में फैलाई गई थी, उन कहानियों को मोहम्मद साहब ने सुना था। जब उन्होंने इन चीजों को सुना तो उसको इन्होंने कुरान में, इस्लाम में इंक्लूड कर दिया। पर इसका कोई भी प्रामाणिक तौर पर कोई भी वेरिफिकेशन बाइबल से आप नहीं कर सकते। पर हाँ, कई सारे अचंभे के कार्य इस्लाम में ईसा ने करे हैं। बट इसमें हंसी की बात यह देखिए कि इस्लाम का ईसा जो है वो अचंभे के कार्य कर रहा है, कई सारे अंधों को जीवित करना या फिर चिड़िया के अंदर सांस फूंकना, ऐसे अचंभे के कार्य इस्लाम का ईसा कर रहा है। तो मोहम्मद साहब जो अल्लाह के सबसे प्रिय रसूल हैं,
जो सबसे अंत के रसूल हैं, वो चमत्कार क्यों नहीं कर रहे? अगर वो चमत्कार नहीं कर रहे तो कम से कम मुस्लिम भाइयों को ईसा पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए, बल्कि मोहम्मद पर? तो ये भी एक सवाल है, पर इसका उत्तर हमारे मुस्लिम भाइयों को देना चाहिए। वारियर भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग, नेजरन ब्रदर, आई वुड लाइक टू जस्ट से द प्रूफ ऑफ वॉट आर यू जस्ट सेड नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्थ ऑफ जीसस एज अ मिराकल, अल इमरान, अली इमरान, दैट इज चैप्टर 3 वर्स 45 to 47, दैट इज द फर्स्ट मिराकल जीसस डिड, ईसा नबी का जो जन्म. जो पैदाइश है उसके बारे में, हाँ, जन्म के बारे में, आलू इमरान 3, कुरान 3 उसके 46 में, ना 46 है ना, 45 to 47. हाँ 45 to 46, 47 में आपको देखने को मिलेगा। ये हम ईसा नबी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका यीशु मसीह से कोई कोई वास्ता नहीं है। नेक्स्ट, द जीसस दैट इज टॉकिंग, सॉरी, ईसा नबी दैट इज टॉकिंग इन द क्रेडल, ओके, सूरतुल मरियम, दैट इज 19 फ्रॉम वर्स 27 to 30. और सूरतुल मरियम जो है 19वां अध्याय, कुरान 19वां अध्याय उसके 30वें वचन में जो है सूरतुल मरियम, सूरा मरियम जो है उसमें आपको ईसा नबी जो है वो टोकरी में से पैदा होते ही बात करने लगे, वो आपको देखने को मिलेगा। वन करेक्शन, आई एम सॉरी, नॉट टिल 30, टिल 33. या फ्रॉम 33, 30 ईसा इज टॉकिंग. या 30 से लेकर 33 तक आपको वो देखने को मिलेगा, कुरान की आयत 19 उसका 30 से 33 तक। नेक्स्ट, जीसस ब्रिंगिंग क्ले टू लाइफ, गिविंग लाइफ टू द डेड, एंड जीसस, सॉरी, ईसा इज ब्रिंगिंग दिस क्ले इन टू लाइफ. ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी इन आली इमरान 3 वर्स 49. और ईसा नबी जो है वो मिट्टी से एक चिड़िया को उड़ाते हैं, ये भी आपको आलू इमरान उसके 33 में ना, 49 49 में आपको देखने को मिलेगा। देयर इटसेल्फ यू कैन सी ही विल हील द ब्लाइंड, हील द लेपर, ब्रिंग द डेड वन टू लाइफ. या वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कौड़ियों को जो है ईसा चंगा करते हैं, और कैसे जो है मरे हुओं को जी उठाते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इनमें से कई सारे वन चमत्कार मोर, जो द है, लास्ट वन कई ना, सारे चमत्कार, या हाँ सॉरी सॉरी, कई सारे चमत्कार बाइबल में हैं एक्चुअली। मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार जो मुर्दों को जी उठाया था, तो कई सारे चमत्कार हैं, पर कई सारे ऐसे भी हैं जो कि जिनके बारे में बात ही नहीं करी गई। या कंटिन्यू करो। एंड द लास्ट वन, द लास्ट मिरेकल ऑफ ईसा सेड इन कुरान is in Al-Maida 5 verse 112 to 115, for when he is sitting with disciples for the Last Supper, so God is bringing down, for the word of Isa, God is Allah is sending down a big sheet full of food for them. और उसके जो आखिरी जो चमत्कार वो है कि ईसा जो है अपने शिष्यों के साथ जो है अंतिम जो भोजन के लिए बैठे, तो अल्लाह जो है वो एक बड़े से एक कपड़े में बांध कर जो है उनके लिए भोजन उतार के दे रहा है। आयत कौन सा है भाई, सॉरी नज़र, किसकी आयत, आयत में है, ओके, सूरत कौन सी? सूरत अल मैदा 5 verse 112 to 115. या पांच, कुरान 5 उसका 112 से 115 तक। यस, एंड वन मोर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीवियस क्वेश्चन, जस्ट वन वरिष्ठ स्टेटमेंट. ब्रदर 1 मिनट, प्रवीण भाई जो सवाल आपने किया उसका उत्तर मिल गया ये मैं विश्वास करूं, या कुछ और पूछना था आपको उसमें? जी कंटिन्यू रखिए, उसके बाद में मैं पूछूंगा आपसे ओके कुछ. ओके 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 वरियर ब्रो। नेशनल ब्रदर, रिगार्डिंग द साइंस, आई वुड लाइक टू जस्ट गिव यू वन मोर वर्स, जस्ट विद दैट वर्स, जस्ट अ वर्स, कुरान 71 वर्स 19.
जो शास्त्र द साइंस के एंड या कुरान। साइंस या शास्त्र के, कुरान में बहुत ही शास्त्र है इसके बारे में। एक और आयत जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा, वो है कुरान उसका 71:19। या 71:19। अगर ये सब आयतें जो है कोई अगर साइड में अगर डाल सके, छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन डालकर, तो बहुत अच्छा होगा। हमारे कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिए ताकि हमें याद भी रहेगा। ओके, दिस वन सेज जस्ट दिस वन, अल्लाह मेड फॉर यू द अर्थ इन अ वाइड एक्सपेंस, मीन्स इन अ वेरी स्ट्रेट मैनर। ओके, वी ऑल नो दैट अर्थ इज इन अ स्ट्रेट शेप, वी गो टू द अदर एंड वी फॉल डाउन। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अल्लाह जो है उसने पृथ्वी को जो है बिल्कुल एकदम सीधा स्ट्रेट तौर पर बनाया है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी एकदम सीधी तरीके से बना हुआ है। हम उसके एक कोने में जाएंगे तो वहाँ कोने में से नीचे हम गिर जाते हैं। ये सरकास्टिकली बोला था, सही में नहीं है। विद दिस आई स्टॉप, बिकॉज इफ आई स्टार्ट टेकिंग वन वन इट विल कम अप, सो आई जस्ट स्टॉप हियर। यस। अगर कोई और सवाल इससे जुड़ा हुआ अगर पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं। केजिया सिस्टर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर ऐड कर सकते हैं। प्रवीण भाई, अगर आप फ्री हैं तो कुछ और अगर आपने पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। शायद आपने पहले बताया होगा, लेकिन मैं बीच में कोई किसी कारणवश नहीं आ पाया था, लेकिन मुझे अल्लाह के बारे में, मतलब जैसे आप सब कुछ आपने मतलब विस्तार से बताया, लेकिन इसमें बार बार जिक्र अल्लाह का जिक्र आ रहा है। ये अल्लाह क्या यहोवा परमेश्वर है या अल्लाह परमेश्वर है, मतलब ये कौन, क्या है अल्लाह, क्यों, मतलब ये शब्द कहाँ से आया? क्या ये हमारे जो ये जिस भाषा में जो बाइबल लिखी गई है और कुरान भी लिखी गई है, क्या उसी भाषा का ये शब्द है या किसी शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना है? और ये अल्लाह जो शब्द कहते हैं, कई कृष्ण लोग भी कहते हैं कि कि अल्लाह, मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी में कृष्ण, मतलब मसीह विश्वासी जो मुझे, मैं उनको जहाँ तक जानता हूँ, वो लोग भी जिन लोगों से मिला हूँ तो ज़्यादातर तो वो भी लोग मतलब अल्लाह परमेश्वर इन सबको ऐड कर देते हैं। तो क्या अल्लाह एक आदर का नाम है या फिर उनके द्वारा एक अलग से कोई बनाया गया शब्द या कोई नाम है? ओके, मैं इस चीज़ मैं इस को, चीज को, 1 मिनट, प्रवीण भाई एक और है। प्रवीण भाई, हाँ, थैंक यू। सो ये एक बहुत ही एक बेसिक कन्फ्यूजन हमारे कई सारे मसीही भाइयों में हम हमेशा देखने को मिलता है कि अल्लाह कौन है। अल्लाह क्या यहोवा परमेश्वर जो बाइबल का खुदा है, या फिर अल्लाह ये कहाँ से आया शब्द। कई बार हमारे मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो अरबिक में जो बाइबल लिखा गया, इस बाइबल में अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ही जो है वो खुदा का नाम वहां पे बोला गया है। अल्लाह 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 आपको बाइबल में, अरबिक बाइबल में देखने को मिलेगा। मेरा सवाल उनसे सबसे पहले ये रहता है कि अल्लाह से तुम क्या अर्थ निकालते हो। जब एक मुसलमान अल्लाह कहता है तो क्या अल्लाह एक नाउन है, मतलब कि क्या अल्लाह खुदा का खुदा कह रहे हो, या फिर अल्लाह तुम्हारे खुदा का नाम है। जैसे कि बाइबल में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी और संसार को बनाया, या आकाश और पृथ्वी को बनाया, ये आपको बाइबल की तौर से देखने को मिलेगा। अगर अगर अब हम देखें तो जेनेसिस, जेनेसिस में 1:1, जेनेसिस 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। अब ये परमेश्वर जो है,
इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, एक गॉड राइट, दूसरा हमारे हिंदू भाई परमेश्वर जब कहते हैं तो परम शिव या परम ईश्वर है, परम ईश्वर, तो क्या हम शिव को वहां पे बोल रहे हैं? नहीं, हम वहां पे बाइबल के खुदा को बोल रहे हैं। पर होता क्या है कि जब हम अल्लाह ये जो वर्ड है उसको जब हम समझें, तो कुरेशियों में 360 देवी देवताएं थी, उसमें से कई देवते देवताओं के नाम मैं बताता हूं, जैसे कि अल्लात, अल का मतलब है द, लात मतलब उस गॉड का नाम, अल लात, अल उजा, अल मनात, द गॉड, द लाता, द उजा, द मनाता। पर जब अल्लाह के बारे में बात आई तो ये लोग कभी भी साथ में जोड़ के, ये लोग कभी भी अलग करके नहीं दिखाते उसको, ये लोग ऐसे नहीं बोलते अल लह, अगर अलग करके बोले तो इसका अर्थ सिर्फ इतना ही बनता है द गॉड, कौन सा गॉड है, क्या है, कुछ नहीं पता। पर कुरेशियों के एक देवता का नाम था अल्लाह, जो कि वहां पे कई सारे देवी देवता थे, उसमें से हुबाल और जैसे हुबाल हो गया, और भी कई सारे जो है वहां पे देवी देवताएं थे, उनमें से एक देवता का नाम था अल्लाह। देवता का नाम नेजरिन ब्रदर अल्लाह था, हाँ, देवन्റെ പേരാണ് അല്ല, ദേവന്റെ മകളുടെ देवी പേരാണ് का नाम, അല്ല, या देव, ദേവന്റെ പേരല്ല, ദേവന്റെ മകളുടെ പേരല്ലാത്ത. ब्रदर आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट हो गया. Yeah, that is what I was also about to ask. सिर्फ मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए भी आवाज बंद हो गया था. ब्रदर मैं ट्रांसलेट कर देती, तब तक ब्रदर नाजरीन फ्री होते, शायद बिजी हो गए होंगे. एक बार फिर से बता देंगे, या केजिया बहन आप करना चाहते हैं या रॉय जी कोई और. मैं भी कर सकती, मुझे कुरान के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं ट्रांसलेट कर सकती. वॉरियर भाई, अगर आप जोड़ना चाहते एक बार फिर से, तो मैं ट्रांसलेट कर देती उसको. ओके सिस्टर, टिल व्हेन नाज़रीन ब्रदर कम्स बैक, नाज़रीन ब्रदर प्लीज कम बैक एंड स्टार्ट ओवर। ओके, द सेम थिंग व्हिच नाज़रीन ब्रदर हैड टू से, दैट वाज द सेम थिंग आई आल्सो वांटेड टू से। जी, तो जैसे जो अब हमारे भाई नाजरीन ने अभी जोड़ा था, वही बात वॉरियर ब्रदर भी जोड़ना चाह रहे थे. अगर और Like what is said in John chapter 3 verse 16, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को, दिस परमेश्वर इज नॉट रेफर्ड टू द परमेश्वर हिंदू बिलीवर्स यूज। वहाँ पर हम जॉन चैप्टर 3 में देख सकते हैं, परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है. वो परमेश्वर का तात्पर्य ये नहीं है जो हम हिंदू स्क्रिप्चर में भी देखते हैं, हम हिंदू ग्रंथों में जो देखते हैं वो तात्पर्य नहीं है. परमेश्वर दोनों एक नहीं है. एंड नाउ दिस मुस्लिम और इस्लाम बिलीव्स, दे से दैट अल्लाह इज अ वर्ड डेवलप्ड फ्रॉम अल इलाह।
जो हम देखते हैं ये शब्द अल्लाह, ये हमारे मुस्लिम भाई उसको बोलते हैं कि ये दो शब्दों का मिलाप है, अल और ला। अल इलाह, इला, अल इला, दो शब्दों का मेल है। अल मीन्स द, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, टी एच ई द। अल का मतलब है जो सेकंड जंक्शन दुनिया। So the God, Ilah, is the Arabic word for God. Allah is not the word for God. Ilah is the name for God. Is the word for God. तो जैसे हमारे वॉरियर भाई ने जोड़ा कि अल्लाह एक तात्पर्य नहीं है परमेश्वर के नाम से, इसका मतलब है कि वो एक जो गॉड है, परमेश्वर है, वो जिसने दुनिया बनाई उसका तात्पर्य ये है इस्लाम के हिसाब से। वो जो रेफर कर रहे हैं, जो उसके बारे में बता रहे हैं, वो एकदम वैसा नहीं है जो हम बाइबल पवित्र ग्रंथों में पढ़ते हैं। ये सिर्फ शब्द का अर्थ बता रहे हैं। That did not come out right. The thing is, or I said this like this, Allah is not the word for Parmeshwar. Like brother asked, Allah is not the word for Parmeshwar. अल्लाह, जैसे प्रवीण भाई ने पूछा था क्या वो एक नाम है परमेश्वर का या अल्लाह नाम है, वो नाम नहीं है, शब्द वो शब्द अल्लाह परमेश्वर जैसे शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है। हाँ, वो सीधा सीधा ट्रांसलेशन नहीं है, परमेश्वर और अल्लाह एक जैसा नहीं है। परमेश्वर इज इक्वल टू इलाह। परमेश्वर को अगर हम देखें तो परमेश्वर का अगर रूप सिमिलर वर्ड देखें तो वो इलाह है, असली शब्द इलाह है। नाउ Muslims say that these two words al ilah came and this has become Allah, so that means God. Ilah ka matlab hota hai God, to agar Muslim ko wo God bol raha hai to wo ilah uska matlab hai. Yeah, so I was born and brought up in an Arabic country, still residing in Arab country. So Allah is a name of a god, name of a god, not the word Parmeshwar. तो हमारे वॉरियर भाई अभी भी अरेबिक कंट्री में अभी वहीं पे पले पड़े हैं और वहीं अभी भी रह रहे हैं, तो बता रहे हैं कि इसका जो अर्थ है अल्लाह, इसका सिमिलर नहीं है अल्लाह परमेश्वर से, बल्कि अल्लाह का तात्पर्य है एक परमेश्वर, द गॉड। सो आई थिंक नजरन ब्रदर हैज कम बैक। नजरन ब्रदर प्लीज टेक ओवर। या मेरा नेटवर्क में आई थिंक मेरा वाईफाई कट हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, पर मुझे नहीं पता कि कहाँ तक आप लोगों ने सुना या बट हाँ, जैसे हमारे इवन भाई ने भी डाला है कि अल्लाह जो है उसको पहले के लोग जो है वो मून गॉड के तौर पर भी जानते हैं, चंद्रमा का खुदा के, चंद्रमा का देवता के तौर पर भी लोग जानते थे। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि इस्लाम में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है, और आप इस्लाम के जितने भी आप मॉस्क अगर देख लें तो उसमें आपको ऊपर चंद्रमा जो है वो देखने को मिलेगा। एक एक सूरा पूरा सूरत यासीन सिन जो है यासीन, वो भी चंद्रमा को समर्पित है, और आपको कई जगहों में चंद्रमा का एक इम्पोर्टेंस आपको देखने को भी मिलेगा। तो या अल्लाह एक इनके देवता का भी नाम है, पर अगर हम इसको बाइबल की ओर से देखें या फिर अरबिक बाइबल के तरीके से देखें तो मसीही लोग बाइबल में उसको खुदा के तौर पर यूज़ करते हैं, और इसमें कोई गलत भी नहीं क्योंकि उनका लैंग्वेज अरबिक है, तो उनको उनके ऊपर फोर्स करके ये अल्लाह वर्ड यूज डाला गया है। एक्चुअली वो लोग चाहे तो रब यूज कर सकते हैं, रब। नो नाज़रीन ब्रदर, रब इज अ वर्ड, बट द अदर वर्ड इज इलाह। राइट, इलाह।
correct Arabic word for God. So that is what I said. They tried to, now they say, they whiten this by saying, this came from Al-Ilah. No. This came as the father of Lata, which is called Al-Lata. And that is why he is called Allah. He is the moon god. Yeah, इसीलिए क्योंकि वो लोग कई बार ये कहते हैं कि इलाह जो है शब्द से अल इलाह से अल्लाह आया, पर एक्चुअली नहीं है, ये अल्लाह ता की जो अल्लाह ता जो देव देवी है उसका उसके पिता का नाम है अल्लाह जो है, जो कि एक चंद्रमा का देवता है. रॉय पास्टर जी आप फ्री हो गए हैं क्या? हमें आ गया था बीच में, और एक छोटी सी और एक बात पूछना है, और आखिरी समय हो रहा है, और नसरीन ब्रदर चले गए होगा ना, और वैरियर ब्रदर मैं ये पूछना चाह रहा था, कुरान में ये लिखा है कि चमत्कार का इंतजार करना, तुम इंतजार करो मैं भी इंतजार करूंगा. मेरा सवाल है कि इंतजार के बाद कुरान में ऐसे कोई चमत्कार हुआ है कि नहीं? अल्लाह कुरान में इस इंतजारी के बाद इंतजार करने के लिए बोला, इसका जवाब दिया है कि नहीं चमत्कार के द्वारा? रॉय पास्टर, अब तक मैंने नहीं देखा, टिल डेट आई हैव नॉट सीन द सीन. अच्छा, कुरान में नहीं है ना ये चमत्कार? कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, और तफसीर में भी नहीं है. ऐसा एक चमत्कार है जो व्हेन यू गो टू द नॉट द ऑस्टेज व्हाट इज इट कैमल्स यूरिन कैन हील योर सिकनेस, दैट इज द ओनली मिरेकल आई हैव सीन देयर, नथिंग एल्स. Nothing from Muhammad. No one had seen him talking to God. No one had seen God talking to him. No one had seen angel talking to him. No one had seen him performing any miracles or anything. और मोहम्मद से कोई बात करते हुए कोई नहीं देखा, और एंजल बात करते हुए भी नहीं देखा. कुरान में एक भी चमत्कार नहीं. और एक चमत्कार के बारे में ये लिखा है कि ऊंट का मूत्र पीने के द्वारा चंगा होगा, बीमारी से छुटकारा मिलेगा, ऐसे करके कुछ वैज्ञानिक बातें लिखा है. वो मूत्र पीने वाला सऊदी अरब में कोई नहीं है, परंतु ऐसे कोई बात लिखा है. इसके अलावा कोई चमत्कारिक बात उसमें नहीं लिखा है ना हुआ है. और समाप्ति भी हो रहा है. मैं क्या है, कुछ मेहमान की वजह से घर में पिताजी की तबीयत ठीक नहीं होने से कुछ मेहमान आए थे, इसकी वजह से थोड़ा बिजी हो गया था, और मैं रिप्लाई सुनेंगे पूरा नहीं सुन पाया. और कोई छोटी सी बात अगर करना चाहे एक या दो मिनट में समाप्त करने लायक कर सकता है. मानवी सिस्टर, बात हो गई क्या सबका? गजेंद्र जी या विनोद जी अगर कुछ और पूछना है प्रवीण जी तो पूछ सकते. मेरे को एक प्रश्न और था कि जैसे हम लोग जैसे बाइबल में है कि वचन टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, या हम जांच सकते हैं. परमेश्वर ने कहा आप मेरे वचन को नहीं मेरे कार्यों को जांच सकते हो. क्या हम इस्लाम में जांच सकते हैं मोहम्मद के कार्यों को, उनके मिराकल्स को? वॉरियर भाई अगर आप जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते. आवाज साफ नहीं आ रहा. अब आ रहा है रॉय जी? अरे अरे मैं कहीं थोड़ा सा बाहर बैठा था. मेरा प्रश्न था कि क्या जैसे हम लोग देखते हैं बाइबल में कि हम टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है इफ यू डू नॉट बिलीव माय वर्ड्स बिलीव द वर्क्स दैट आई डू, तो जैसे हमें जांचने के लिए कभी रोका नहीं गया, हमें प्रोत्साहित किया गया कि हम परमेश्वर को जान कर भरोसा करें. क्या इस्लाम में हम जांच सकते हैं मोहम्मद के कार्यों को? कैन वी एग्जामिन द वर्क्स ऑफ मोहम्मद एंड क्रिटिसाइज और have a reasonable argument, like discern whether what he said is true or wrong? Is it allowed in Islam?
was the question to me? जी ब्रदर वारियर आप जोड़ सकते Drinking alcohol, being alcoholic is haram. Shall I continue? और इसमें कुरान में लिखा है दारू पीना हराम है, वो पाप है। हाँ, वो पाप है, ममनू है। So the thing is, there are instances Muhammad had had this alcohol. परंतु काफी अनेक जगह में इसे तफसीरों में है, हदीसों में भी है कि मोहम्मद का ये बार दारू पिया है। Now when this was proved to great scholars, now they say, yeah, if till then they said, no, 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 it's not there. But when we proved it with the proof of hadith and Quran and everything, now they say, if Muhammad did it, it is done. It is something which we have to follow. Whatever Muhammad did, we have to follow. मोहम्मद हदीसों के जरिए कुरान और तफसीरों में ये पाने के कारण कई लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद जो किया है उसका पालन हम भी कर सकता है, उसका फॉलो हम कर सकता है। So there is no way you can question Muhammad. I'll tell you something which is there in Arab countries or Islamic Sharia law countries. Just one sentence. और एक शब्द में मैं इस्लामिक देशों में जो हो रहा है उसके विषय में कहना चाह रहा हूँ। Go to the street, blame Allah, say whatever you want, you are free to go. Maybe somebody will come and abuse you and say go to your place. और अल्लाह के विषय में कुछ भी कहो, कोई अल्लाह के विरोध में बात करे तो कोई ना कोई आके हमको वापस घर जाने के लिए बोलेगा। You speak a word wrong about Muhammad, your head will roll in the street. Nobody will question him. परंतु अगर आप मोहम्मद के विषय में कुछ भी कहे, मोहम्मद के विरोध में कोई भी बात करे तो आपका गला कट जाएगा और आपका सिर गले में नहीं होंगे रोड पे और होंगे आपका सिर। There is no case it will be registered against that guy if he do that. Speak against Allah, no problem. Don't question Muhammad. In Quran also there is one verse written. You are not supposed to question. Allah is not like anyone who questions whatever is being said here. There is an ayah in Quran. So you are not supposed to question them. कुरान में भी ऐसे लिखा है कि सब लोग आके दंडवत करना है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है, मोहम्मद के विरोध में बात करने का या मोहम्मद से सवाल करने का कोई अनुमति किसी भी प्रकार से कुरान या कोई इस्लाम नहीं देता है। तो मैन सिस्टर आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट। बिल्कुल ब्रदर, और ये सुनकर और इसके अलावा मोहम्मद के विरोध में कोई बात करने के कारण एक सूरा भी निकल उतरा है, मालूम होगा कि उसका मामा चाचा या कोई उसके विरोध में कुरान में लिखा है उनका उसका श्राप देते हुए कुरान का एक सूरा भी है, एक अध्याय भी exactly. So that is what there is the ayah that has come. You are not supposed to question or you are not supposed to speak against what Muhammad had said. Let me just check. विरोध में बात करने का अनुमति नहीं। ये सुनकर और वैसे परिस्थितियों को देखकर वहाँ पर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे भाई बहन जो इस्लाम प्रदेश में हैं जहाँ रह रहे हैं उनको परमेश्वर में आना, क्योंकि जब वो कुरान स्वयं पढ़ेंगे तब उनके मन में भी प्रश्न होंगे, लेकिन आप प्रश्न ही नहीं कर सकते, तो आप सोचने और समझने की
क्षमता आपको क्यों दी, इस पर भी प्रश्न हो सकता है, लेकिन उन भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि वो विपरीत परिस्थिति में आ पाए। और पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, कोई सवाल करने वालों को जीने नहीं देता है, नबी दिंदा के रूप में उसका फांसी दिया जाता है। कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही करता है, कोई मोहम्मद के विरोध में कुछ भी बोला या कोई सवाल किया तो उसको फांसी दिया जाता है। काफी लोगों का कत्ल भी हो चुका है इसे नबी दिंदा के रूप में, नबी के विरोध में बात करने वाला काफी लोगों का कत्ल हो चुका है काफी देशों में। रॉय जी, क्या उनको चांस भी मिलेगा कि वो अपने को एक्सप्लेन कर पाए कि वो नहीं, कोई एक्सप्लेन उनका कोई तरीका नहीं है। ब्रदर बोलिए, क्या चांस मिलेंगे ब्रदर सिस्टर? वो एट द रोड एंड एट दैट मोमेंट व्हेन यू आर स्पीकिंग इटसेल्फ, यू स्पीक टू समवन एंड इफ अनदर पर्सन हियर्स इट ही विल किल यू देयर। So what is your chance of speaking? He will kill you. The person who hears it will kill you then and there itself. No case, nothing will be registered. कोई भी सवाल करे या कोई भी मोहम्मद के विरोध में कोई भी शब्द बताए, उसी समय उसका कत्ल होगा और उसका कोई चांस नहीं मिलेंगे, कोई उनको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा।